क्रियाकर्म यानी जू में रखा जाता है। हम इंसान अपनी अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए उन जानवरों को जंगलों से पकड़ करके और चिड़ियाघरों में उनको कैद कर देते हैं, और जबकि उन जानवरों को भी जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमें कोई डांटे नहीं, प्यार से बोले, अच्छे से रखे, वैसे ही जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। वो बोल नहीं पाते हैं, हम मनुष्यों की तरह वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, हमें अपनापन मिले, हम अपने तरह से रहें, हम खुले में घूमें, लेकिन हमने अपने आनंद अपनी खुशी के लिए उनको चिड़ियाघरों में बंद कर रखा है। आपके घर में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं? समाचार पत्र न्यूज़पेपर, जिसमें कि हमारे देश दुनिया की, राज्य की, हमारे गढ़वाल की तरह तरह की खबरें छपी रहती हैं। तो किसी के घर में अमर उजाला आता होगा, किसी के घर में दैनिक जागरण, कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कहीं हिंदुस्तान पेपर। आप और पेपरों में, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि छोटे बच्चों को कार्टून पिक्चर्स या कोई कहानी, कोई स्टोरी, इस तरह से कोई कविता छोटी सी, वही आपको पढ़नी अच्छी लगती होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आनंद ही आनंद में आपको एक बहुत ही रोचक और मनपसंद आपको कहानी बता रही है, तो जिसको मैं आपको विस्तारपूर्वक आगे पढ़ाती हूँ। हम कहानी शुरू करते हैं आनंद ही आनंद। यहाँ पर लिखने वाला जो लेखक हैं, वो लिख रहे हैं कि कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, चिड़ियाघर जहाँ पर कि बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है। फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे, फाटक यानी जो मेन गेट है, दरवाजा है, उससे घुसकर थोड़ी दूर पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। गर्जन आवाज, शेर की भयंकर आवाज सुनाई पड़ी। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया, दृश्य मीन्स नजारा। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपड़ तो नहीं पड़ा। फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे, उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है, उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार यानी भयंकर रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है जो कोई भी पिंजरे के आसपास जाता है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे, वो जो बच्चे थे वो शेरनी के पिंजरे के पास ही थे। वे बहुत डर गए क्योंकि जैसे ही शेरनी गुर्राई तो वे बच्चे बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं, ऐसा वहाँ पर उन्होंने बताया। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए, क्योंकि वहाँ पर सब डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। दो दिन बीत गए, इस बात को हुए दो दिन खत्म हो गए। प्रातः का समय था, प्रातः में सवेरा का समय था, दादाजी समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, क्या बोले, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुँचे कि दादाजी क्यों बुला रहे हैं। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी। गर्जना यानी आवाज, अपनी आवाज से सबको ये डरा रही थी। जो डरावनी आवाज होती है, जोर की आवाज होती है, उसको बोलते हैं गर्जना। आज कितनी शांत है, न्यूज़पेपर में उसकी पिक्चर छपी थी, तो आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है,
मैंने चकित होकर पूछा कुत्ते के बच्चे से। चकित होना मतलब अचरज होना। तो मैंने अचरज होकर के आश्चर्य में होकर के पूछा कि कुत्ते के बच्चे से। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों जो गार्ड हैं वहाँ पर की नज़र बचाकर मतलब उनसे छुपते छुपाते वहाँ से पिंजरे में घुस गया था। शेरनी उस समय सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से वो खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। बहुत वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। कौन? कुत्ते का जो पिल्ला था। शेरनी भी प्रसन्न थी, खुश थी। दोनों एक दूसरे को का साथ मिल गया था। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती। जब जो रक्षक थे, गार्ड थे, शेरनी को मांस देते खाने के लिए, तो वो शेरनी पहले एक टुकड़ा उस पिल्ले को खिलाती और फिर खुद स्वयं खाती थी। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया एक दूसरे को, बोले नहीं कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार न दे। जब शेरनी ये समझ जाएगी कि ये उसका बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है, तो कहीं ये उसको मार न दे। तो उन्होंने क्या किया कि जब शेरनी खाने में व्यस्त थी, यानी वो जब खाना खा रही थी, खाने में उसका ध्यान था, तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। शेरनी का जब भोजन समाप्त हुआ तो वह गुर्राई, वो फिर से आवाज करने लगी। उसने इधर उधर देखा तो पिल्ला कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि रक्षक ने उसको उसके पिंजरे से निकाल दिया था। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, मतलब वो उस पिल्ले को ढूंढ रही थी, गरज रही थी, और उसने खाना पीना भी बंद कर रखा था। उधर पिल्ला भी परेशान था। वो भी जब शेरनी से अलग हुआ तो वो भी दुखी था। 4 दिन बीत गए ऐसे ही, मतलब उस एक दूसरे से बिछड़े हुए उन दोनों को 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे, डरे हुए थे। जो वहाँ पे गार्ड थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी, क्योंकि उनको वहाँ पर रखा ही गया था कि आप शेरनी की देखभाल करो। लेकिन अब शेरनी कुछ खा पी नहीं रही है, 4 दिन हो गए हैं, तो अगर शेरनी को कुछ हो जाएगा तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी, क्या करें? वो गार्ड सोच रहे हैं। पिल्ला निकला तो था पर गया कहाँ? बोला, हमने उसको निकाला तो था लेकिन चिड़ियाघर से कहाँ चला गया? पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया कि उस पिल्ले को ढूंढो, उस पिल्ले को ढूंढो। तभी पता चलता है कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी। दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया, छोटा बेटा था तो उसने उठा लिया। उस पिल्ले को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसको वो अपने घर जा कर के घर ले जा कर के उसने उसको रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहाँ अनशन कर रखा था, मतलब वो भी वहाँ पर कुछ खा पी रहा नहीं था। उसको भी शेरनी की बहुत याद आ रही थी। रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए। जब उनको पता चला कि दुकानदार का बेटा उसको अपने घर में उसने रखा है, तो उसको वहाँ से वो लेकर आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया, वहीं उसको डाल दिया। शेरनी अब शांत है। जब पिल्ला वहाँ पर पहुँचा तो शेरनी अब बिल्कुल शांत है, वो गुर्रा नहीं है। पिल्ला भी अब बहुत प्रसन्न है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है, इधर उधर वो कूद रहा है। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। इस तरह से जब हम जिसे पसंद करते हैं और अगर वो हमें मिल जाए तो फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर शेरनी उस पिल्ले के बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो पिल्ला भी शेरनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो जब वो आपस में मिले तो अब वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो इस तरह अब चिड़ियाघर में
चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सब तरफ शांति छाई हुई है, अब सब खुश हैं।